अगर आप नहीं इस टाइम पे यूज करेंगे तीसरे स्टेज में, तो जो इसकी जो आप कंध जो साइज देख रहे हैं, ये कंध की साइज ये बिल्कुल ये डबल नहीं होगी, मोटा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लहसुन का पौधा है, और लहसुन के पौधे में इस समय दोस्तों फर्टिलाइजर डालना जरूरी इसलिए कि अगर इसकी कंध की साइज को अगर आपको बढ़ाना है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको विशेष फर्टिलाइजर देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि इसकी जो कंध की साइज है ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए कि मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कंध की साइज है इसको 10 से 15 दिन में इसको मोटा कैसे करना है। और इस दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इम्प्लीमेंट करिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में थोड़ी सी लगाए होंगे लहसुन का पौधा, तो वो लहसुन का पौधा पूरे सालों आपके घरों में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको बता दें कि इसमें क्या आपको करना है। बात करते हैं दोस्तों लहसुन के पौधे में, तो इस टाइम लहसुन पौधा तीसरे स्टेज में आ चुका है। अगर हम बात करते हैं लहसुन का पौधा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में करीब करीब ये 100 दिन का लहसुन का पौधा ये हो जाता है। तो इस समय देख जो मेरे पास लहसुन का जो पौधा है ये करीब करीब ये 100 दिन का हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा एक क्यारी हमने ये लगा रखा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पौधा है ये एकदम रेडी है। और मैं आप बता दूं कि इस समय जो फर्टिलाइजर का हमें लहसुन के पौधे में यूज कर रहे हैं, आपको हम दिखा दें कि इसमें क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपको यूज क्या करना है। इसमें दोस्तों फास्फोरस, पोटेशियम और इसमें बोरान का यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें दोस्तों आपको दिखा दें कि अगर किसी पौधे को हम निकालते हैं, अगर दोस्तों ये देख सकते हैं ये करीब करीब ये जो लहसुन का पौधा है ये करीब 90-95 दिन का ये हो चुका है। अब मैं बता दूं आपको कि अगर इसमें आपको फास्फोरस और पोटेशियम और बोरान इसमें देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं इस टाइम पे यूज करेंगे तीसरे स्टेज में, तो जो इसकी जो आप कंध जो साइज देख रहे हैं, ये कंध की साइज ये बिल्कुल ये डबल नहीं होगी, मोटा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। और दोस्तों हमें इसकी कंध की साइज से ही मतलब होता है। तो हम बता दें आपको करना क्या है। सबसे पहला काम आपको तो ये करना है कि जो आप ये देख रहे हैं जो लहसुन का पत्ती देख रहे हैं, पत्ती को दोस्तों आपको फ्रेश रखना है। पत्ती को अगर फ्रेश आप नहीं रख पाएंगे तो होता है क्या दोस्तों कि जब भी लहसुन का पौधा दूसरे स्टेज में जाता है तो दूसरे स्टेज में देखते हैं तो जो पत्तियां हैं पत्तियों के बीच में ये इस पत्ते के बीच में थ्रिप्स लगते हैं, और इसके कारण दोस्तों पत्तियां पीला होने लगता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। थ्रिप्स के लिए आप रेगुलर इस पर दवा का यूज करते रहें दोस्तों। अगर आप थ्रिप्स के लिए दवा अगर केमिकल का यूज करते होंगे तो आई बटन पे लिंक है, मैं लहसुन का वीडियो बनाया हुआ था थ्रिप्स कैसे कंट्रोल करते हैं और पत्तियां जो पीला होती हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो पहला काम ये करना है कि आपको पत्तियां को रखना है फ्रेश। दोस्तों क्यों रखना है फ्रेश, ये जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पत्तियों से होती है। दोस्तों पत्तियां जो लहसुन के पौधे का एक सोलर प्लांट के तौर पे आप कह सकते हैं। पत्तियां किसी भी पौधे के जान होता है। और उसके बाद क्या करना है, जब दोस्तों अगर पत्तियां फ्रेश रहेगी तो एक काम आपको इसमें ये करना है कि जो जब भी इसमें आप फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए बोरान दोस्तों अगर यूज करते हैं तो बोरान का इतना बढ़िया इसमें वर्क है। आप ये लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को ये पूरा टाइट बना कर रखता है, और जब ये टाइट बना कर रखता है तो इससे दोस्तों होता क्या कि ये लहसुन फटता नहीं है और इसकी शाइनिंग भी बरकरार रखता है। और फास्फोरस दोस्तों जानते हैं, फास्फोरस जो ये रूट है, रूट दोस्तों ये अच्छे तरीके से नीचे ग्रो करता है ताकि जो कंध की साइज है, कंध की साइज ये पूरा ये मोटा होता चला जाएगा। तो उस समय आपको इसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है तीसरे स्टेज में, हम आपको दिखा दें कि आप देख रहे हैं इसमें हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम यूज कर रहे हैं सड़ी हुई गोबर की खाद। दोस्तों इसके जगह आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं इस स्टेज में। इसमें आपको क्या ऐड करना है दोस्तों, अगर 1 kg बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसमें आपको ये 50 ग्राम ये आप देख रहे हैं लकड़ी का राख 50 ग्राम दोस्तों ये ध्यान रहे, 2 kg बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसमें 100 ग्राम लकड़ी का राख उसमें ऐड करते हैं। ये 50 ग्राम इसमें हम ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों तीसरा चीज़ और क्या हम ऐड करना है, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ये जाइम है दोस्तों। ये 1 kg अगर बर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद है तो इसमें कम से कम 200 से 250 ग्राम आप ले लीजिए जाइम।
दोस्तों इस कंडीशन में ये जो देख रहे हैं मार्केट में सीवीड फर्टिलाइजर के नाम से लोग जानते हैं और ये सीवीड फर्टिलाइजर मांगेंगे तो लोग मिल जाएगा, जाइम के नाम से भी मिल जाएगा, धनजाइम के नाम से भी मिल जाएगा। आप इसे लाइए और इस स्टेज में ज़रूर इसका यूज करिए। तो मैं आपको डोज क्लियर कर दिया हूँ, उसी हिसाब से आप इसमें यूज करिएगा। इसको हम मिक्स कर देते हैं और दोस्तों मिक्स करने के बाद अपने खेतों में इस तरीके से आप इसे फैला दीजिए या कंटेनर में लहसुन का पौधा लगा रखें जिसमें लगा रखें उस तरीके से आप लेके आप इस तरीके से पूरा चारों तरफ आप इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो छिड़काव आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि इसमें नमी ज़रूर रहे। दोस्तों इसमें अगर नमी नहीं रहेगी तो दोस्तों होगा क्या कि अच्छे तरीके से प्रॉपर ये वर्क नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रहे। नमी रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। और एक बात और हम बता दें कि लोग इसमें गलती करते हैं लहसुन के पौधे में कि हमेशा दोस्तों ये जो नमी है नमी को बरकरार रखते हैं। दोस्तों ये काम कभी आप न करें, अगर हमेशा इस नमी को आप ये देख रहे हैं हमेशा इस नमी को बरकरार रखेंगे तो दोस्तों जो आपका पौधा होता है पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियाँ इस कारण के वजह से भी पीला होती है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। नहीं दोस्तों होगा क्या कि जब पत्तियाँ पीला होगी तो जो कंद है कंद की साइज बिल्कुल नहीं बैठेगी। जब भी इसमें पानी दें तो अच्छे तरीके से जब ये आप इस तरीके से मिट्टी को देख लीजिए, मिट्टी जब ये पूरी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए सूख जाए 1 से 2 इंच तक बिल्कुल सूख जाए उसके बाद इसमें आप पानी देना शुरू करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इसको नमी नहीं करना। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया ये जो फर्टिलाइजर आप देखे हैं इस फर्टिलाइजर को, इस फर्टिलाइजर के अलावा आप इसमें अगर आप बना सकते हैं तो वो भी फर्टिलाइजर बनाइए। आपको लेना है संतरे के छिलका 125 ग्राम, केले के छिलका 125 ग्राम, आलू का छिलका 125 ग्राम और उसके बाद दोस्तों खीरा का छिलका लेना 125 ग्राम। दोस्तों ये चारों छिलके आप अगर ले लेते हैं, चारों छिलके लेने के बाद एक हो गया 500 ग्राम और इसमें आप ले लीजिए 3 से 5 लीटर सादा पानी या अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का पानी है तो वेस्ट डिकम्पोजर का पानी भी आप ले सकते हैं और इसको उसमें डाल दीजिए। वेस्ट डिकम्पोजर का पानी अगर ले रहे हैं तो उसमें गुड़ आपको नहीं डालना है, अगर सादा पानी आप ले रहे हैं तो उसमें गुड़ आपको डाल देना है। गुड़ कितना डालना है 50 से 100 ग्राम गुड़ उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों 1 सप्ताह बाद या 5 दिन बाद ये बन के हो जाएगा तैयार और ये 5 लीटर अगर पानी आप डाल रखे हैं तो उसमें 5 लीटर और पानी मिलाइए और पानी मिलाने के बाद दोस्तों आप दे दीजिए अपने लहसुन के पौधे में, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन दोस्तों काम करेगा। ये जो कंद की साइज़ है मैं आपको गारंटी देता हूँ कंद की साइज़ बिल्कुल ये डबल हो जाएगा इस तरीके से आप देख रेख करते हैं तो और इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं पोटेशियम, फास्फोरस और बोरान ये 3 ऐसे तत्व हैं अगर पौधे को यूज करते हैं तो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करते हैं लहसुन के पौधे पे। दोस्तों उसके साथ साथ इसमें आप यूज भी कर सकते हैं छिड़काव में भी। दोस्तों छिड़काव के लिए इसमें आपको क्या यूज कर सकते हैं, इसमें अगर आपके पास पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है जो लिक्विड में आपने बना रखा है तो उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बहुत पोटेशियम फर्टिलाइजर है या हो सके तो अगर आपके पास नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटेशियम जो आता है 0050 जो आता है मार्केट में उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि 100 दिन के बाद आप इस फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।